ज्यादातर लोग जानते हैं कि शाहरुख खान ने 1992 में आई फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इससे पहले 1991 में एक फिल्म दिल आशना है साइन की थी, जिसे हेमा मालिनी ने डायरेक्ट किया था। हालांकि ये फिल्म बाद में रिलीज हुई और दीवाना ही शाहरुख की डेब्यू फिल्म मानी जाने लगी। दोस्तों वैसे आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने शाहरुख को ब्रेक जरूर दिया था, लेकिन उन्हें शाहरुख की हेयर स्टाइल और बोलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। बता दें कि शाहरुख फिल्म जीरो के बाद किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं और उनके पास किसी फिल्म का ऑफर भी नहीं है। हेमा मालिनी ने फिल्म इंडस्ट्री के सारे हिट हीरो को छोड़कर शाहरुख को चांस क्यों दिया था, इसके पीछे एक कहानी है। दोस्तों दरअसल हेमा एक टीवी पर शाहरुख का सीरियल फौजी देख रही थी। जब उन्होंने शाहरुख के बारे में पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि शाहरुख दिल्ली में थिएटर करते हैं। हेमा मालिनी ने तय किया कि वे शाहरुख से मिलेगी। उन्होंने अपने असिस्टेंट को शाहरुख को फोन लगाने के लिए कहा और उन्हें मुंबई बुलाया गया। जब हेमा मालिनी की भांजी प्रभा ने शाहरुख को फोन लगाया तो उन्हें लगा कि उनका कोई दोस्त उनसे मजाक कर रहा है। हालांकि बाद में उन्हें यकीन हुआ कि ये कॉल हेमा मालिनी की तरफ से था। अगले दिन वे सुबह हेमा के घर पहुंच गए। हेमा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने शाहरुख से सवाल पूछे तो वे डर के मारे एक ही सांस में जवाब दे रहे थे। हेमा मालिनी उन्हें तुरंत ऑडिशन के लिए ले गई, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। ऑडिशन के दौरान हेमा मालिनी शाहरुख की हेयर स्टाइल और बोलने के तरीके से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई। उन्होंने कहा कि तुम अपने बालों पर काम करो और एक प्लेन शर्ट पहनकर ऑडिशन दो। हालांकि इसके बाद फिर हेमा मालिनी संतुष्ट हो पाई। हेमा मालिनी ने आखिरकार धर्मेंद्र को भी बुलाया। धर्मेंद्र के सामने बात करते वक्त हेमा ने शाहरुख को कहा कि आप अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है। फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा ने खुद शाहरुख के बाल भी सवारे थे। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं एक फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था, फिर भी हेमा जी ने मुझे फिल्मों में चांस दिया। उन्होंने मुझे फिल्म में इसलिए मौका दिया क्योंकि उन्हें मेरी नाक काफी पसंद आई थी। फिल्म में शाहरुख के साथ दिव्या भारती लीड रोल में नजर आई थी। तो दोस्तों ये है वो वाकया जो हेमा मालिनी और शाहरुख खान के बीच हुआ था, जिसमें हेमा मालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी शाहरुख की ये दोनों बातें, और जिस वजह से धर्मेंद्र को भी बीच में आना पड़ गया था। बहरहाल आज शाहरुख बुलंदियों को छू रहे हैं और उनके फैंस उनकी हर फिल्म का इंतजार करते हैं। दोस्तों शाहरुख खान की एक्टिंग के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो के संबंध में कोई आपका कमेंट आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, नमस्कार। दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले।